गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे। तो सुबह के अभी 7 बजे हैं और मैं गाड़ी को धो रहा था, देख सकते हैं आप, क्योंकि मेरा भाई आज जा रहा है जयपुर। मैंने आप लोगों को कल ब्लॉग में बताया था, तो थोड़ी गाड़ी साफ कर देता हूँ मैं। तो आज का ब्लॉग होता है हमारा यहीं से स्टार्ट और देखते हैं बाकी दिन में क्या कुछ होता है। और गाड़ी की हालत देखो कितनी गंदी हो रही है, तो साफ करके ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है। सूरज देवता निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप, और मैं अपनी दुकान पे जाने के लिए रेडी हूँ। भाई तो अभी जाने वाला है, गया नहीं है, तो देख सकते हैं। और मेरे पापा आ रहे हैं मुर्गा फार्म की तरफ से। क्या कर रहे हैं पापा? बच्चा पानी लगा, पानी बच्चों के पानी लगाना मतलब बच्चों के पानी डालना होता है, और वो बच्चों को, छोटे बच्चों को गर्म पानी पिलाया जाता है क्योंकि सर्दी है, तो गर्म पानी पी करके वो ठीक रहेंगे। तो अभी जल्दी से हो जाता हूँ तैयार। सुबह सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा होता है, देख सकते हैं आप हरियाली। और अब तो गेहूँ बो दिए इस खेत में, ये हरे हरे गेहूँ हो जाएंगे काफ़ी बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा बच्चों में जाकर के देख लेता हूँ अभी। तो ये रामपाल बैठा है यहाँ पे। हाँ, तेरी वीडियो बना रहे हूँ मैं, खुश हो जा तू, तेरी बना रहे हूँ। हाँ, तो मुर्गों को यहाँ सर्दी नहीं लगती, कितनी अंगिट्ठी वगैरह लगा रखी है देख सकते हैं आप। दुकान पे जाने के लिए मैं नहा चुका हूँ, और ये देखिए नहर का काम काफी जोरों से चला हुआ है। तो नहर चौड़ी भी हो चुकी है अभी, मतलब ऊपर से गाड़ी भी जा सकती है, इतनी चौड़ी नहर हो चुकी है देख सकते हैं आप। और काम वाले लगे हुए हैं। इस साइड तो फाइनल हो गई, मतलब इसकी जो नपाई होती है, साइज वगैरह वो सब कुछ हो चुका है। ये ईंटें लगा रखी है ना, इन ईंटों से नाप रखी है। और आगे कर रहे हैं मिस्त्री, आगे काफ़ी मिस्त्री लगा, एक तो ये आने लग रहा और वो आगे वो खड़े हैं वहाँ पे, देख सकते हैं आप। कुछ वो लोग खड़े जिनके आगे वो घर है रास्ते में, मतलब नहर के पास, उन्होंने पाइप वगैरह लगा रखे हैं तो उसके लिए खड़े हैं। और पीछे से बिल्कुल रेडी है अभी नहर, तो ये रास्ता हो गया बढ़िया है। इस साइड जाना पड़ा था, आराम से जा सकते हैं हम। तो अभी मैं जल्दी से खा लेता हूँ खाना, क्योंकि फिर खाना खा कर निकलेंगे अपनी दुकान पे। 8:30 का टाइम हो चुका है, मैं और ज़्यादा लेट नहीं होना चाहता, तो चलते हैं फिर। तो दुकान पे लगवाई जा रही है लाइटें, ये जुगाड़ करके कुछ ऐसा, ये देख सकते हैं आप। और हमारे जो लाइट लगाने वाला है ना मिस्त्री, वो भी जुगाड़ू आदमी है पूरा, ये नहीं है, ये तो सहायता के लिए है, वो है पीछे, ये जुगाड़ू। अब ये चढ़ेगा इसके ऊपर और चढ़ते के साथ दमीड़ा माचेगा नीचे। आधी अधूरी चीज लेके चलता है, ओ थोड़ी क्या थोड़ी इसकी वीडियो बड़ा जल्दी। हाँ वीडियो बन गई तो चले। ओ शाबाश, क्या वो दिखाइए, बीच लेना बीच सेंटर को। हाँ, सेंटर तो ये नहीं है, तो खड़ा ये सेंटर है। अरे तो ये है फ्री का मिस्त्री, मतलब इसको पैसे नहीं देने। फ्री का मिस्त्री है, बिना पैसों वाला, सिर्फ एक चाय में काम कर रहा है, चाय इसको पहले पिला दी। ठीक है ना, चाय एक और पिला देंगे। वैसे काम बढ़िया करता है, मतलब पूरे गिट्टी वगैरह लगा करके। लाइट जला के जाएगा, ये मानेगा नहीं। ये देखो थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। तो इसको ऐसे समझ रहा था कि ये काम नहीं करता, लेकिन इसे काम तो बढ़िया किया है, सफाई से किया है, सफाई से किया, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देख सकते हैं आप।
और ये ट्यूबलाइट लग चुकी है, और इसमें देखो इसने ये भी लगा दी एक झूलर, क्या बोलते हैं इसको, ओम का लिखा हुआ। एक बार लगा देता पूरा, यहाँ तक लेके आएगा इस वायर को, फिर दिखाते हैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर रूप से। देखो कहाँ चढ़ के खड़ा है अभी ये, बढ़िया कर रहा है काम तो। ये जो लाइट लगवाई थी ये देख सकते हैं आप बीच में, बहुत बढ़िया लग रही है। और मैंने ये भी लगवा दिया इसमें, ये अपने उस शॉप में मेन फ्रंट पे लगवा रखा था, अब इस लाइट में लगवा दी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले इसमें यहाँ पे ना अंधेरा रहता था बीच में, और ये लाइट लगवाने की वजह से अब उजाला ही उजाला है, काफ़ी बढ़िया लग रही है। और शाम के 7 बज चुके हैं, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, लगभग आधे घंटे में हम निकल जाएंगे घर के लिए। बाहर सब्जी की दुकान पे भीड़ है, यहाँ भी कस्टमर आ रहे हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ बाहर का नज़ारा। ये देख सकते हैं सामने फायर कर रहा है, तो ये भाई अपने सुनील सब्जी वाले आए कर रहे थे अभी, और ये आ गए हमारे पास तो लगभग आधे घंटे में चलेंगे आप यहाँ से, क्यों क्या 7 बज गए शायद, 7:45 रात, पौने घंटा लगेगा। कई लोग तो दुकान बढ़ा के चले भी गए हैं, और मिलते हैं फिर आपसे घर पर जाकर। हैं लाइट जल गई, लाइट ये तने किसकी स्वेटर पहन ली, ये देखो। तो ये देख सकते हैं आप, मैं आ चुका था घर पे, और ये कनक को कितनी बड़ी स्वेटर पहना रखी है, है मां सब लोग यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे थे, मैं भी जस्ट ना, बंद मत कर बहुत बड़ी स्वेटर पहना दी कनक से, है कनक कितनी बड़ी स्वेटर पहना दी तेरे से, और मेरी कैसी है, तेरी भी बढ़िया। फस गी हैं आज इवरान फस गी तू, अच्छा गलू साइड कर, और सरका दी अकेली ने, आजा निकल के आ जाओ, और सरका, हाँ बिल्कुल, इतनी बड़ी हो गई कनक, अब इस खाट भी अपने आप ही सरका देती है। फिर उस साइड गई तू, फिर फंसा गई, क्या फायदो ऐसे चक्कर लगा तो फंसती रह गई, फिर शायद सब लोगों ने खाना खा लिया है, टाइम क्या हो गया। सत्संग घड़ी सही है, ये घड़ी सही है, लगभग 7:30 का टाइम हो चुका है। कनक इस साइड आजा, इस साइड आजा, बार बार मत चक्कर लगा, सुबह अभी मैं थोड़ी देर में खाऊंगा खाना, लगभग 10 मिनट रुक के अभी पहुंचा ही था मैं, है कनक तेरे खा लिया खाना, किसके साथ खाया, खाने में क्या था, सब्जी थी है, बोल सब्जी थी बता, है किसकी सब्जी थी, ना पता, तने खा लिया खाना, चूरमा खाया था, अच्छा थोड़ी देर में खा लेता हूँ अभी। सब लोग कहाँ गए, सब लोग गए बाहर, क्योंकि मैंने टीवी की आवाज़ कम करवा दी थी, टीवी के मतलब के लिए बैठे थे तो गाइस अभी रात के 8:30 बज गए हैं, और हम सब ने खाना खा लिया, कनक ने भी खा लिया, कनक पहले खा लिया था, है ना कनक, बाटो बाटो की चाली बाटो बाटो। तो अभी आगे क्या करना है, क्या करना है पता, बापू आया सुनाना थे, बापू वाला सुनाना है, बापू आया, बापू वाला क्या, मैं सुनूंगी, क्या मैं आप करूंगी, हैं बापू आया सुना दो, बापू वाला सुना दो,
तो कनक का मतलब है कि एक हरियाणवी सॉन्ग है बापू कुछ करके ऐसा तो कह रही है, वो सुना दो मेरे को है कनक, वो सुनेगी। सो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, मैं इस ब्लॉग को ना अभी एंड करने वाला हूँ। और मेरा भाई गया हुआ है जयपुर, तो रास्ते में लगभग 1 घंटे में लगभग आ जाएगा, थोड़ी दूर बचा है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कमेंट करके जरूर बता दें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, है ना, क्या कर ले, सब्सक्राइब, बोलिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है बाय। बोल मेरे सुन फेरी लात पर।